तो गाइज़ आज हम निकले हैं मतलब ओखला बर्ड सेंचुरी की तरफ। ये कालिंदी कुंज का सीन है और क्या हुआ कि मतलब ये गलत रूट पे आ गए हम और उसके बाद हम रास्ता भूल गए थे। तो फिर हमने बहुत ढूंढा फिरा, मतलब कैसे भी मैप देखा, फिर जाके फाइनली हम ये सही रास्ते पे आ चुके हैं ओखला बर्ड सेंचुरी के लिए। ओके, उसके बाद देखिए ये लॉन्गेस्ट बिल्डिंग ऑफ नोएडा है जो कि जिसे सुपर नोवा कहते हैं। उसका मेन गेट तो पता ही नहीं, चारों तरफ से गोल है। ओखला बर्ड सेंचुरी का मेट्रो स्टेशन फाइनली हम पहुंच गए उसके बाद। और आइए इसका एंट्री व्यू दिखाता हूँ। एंट्री में घुसते ही मतलब इसमें पर पर्सन 30 रुपये टिकट लगता है और ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इस गाड़ियों के 30 रुपये लेते हैं एक पर्सन के एक साइड छोड़ने पर। मतलब आपको अंदर तक छोड़ के आएंगे, फिर आप वहाँ घूमते रहें, वो भी खुद चला के ले जाएंगे, सवारी जैसे होता है। मैंने पूछा था क्या मतलब हमें ही चला के ले जानी होगी, अगर हमें चला के ले जानी होती तो हम भी ले लेते, बट हमने जाते वक्त तो नहीं ली, बट आते वक्त पैर बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हमने गाड़ी बुक कर ली थी उसके बाद। और ये देखिए ये नदी के ऊपर ये ड्रम के ऊपर तैरा रखे हैं जिसके ऊपर फ़ोटो खिंचा रहे हम। ये देखिए नीचे पानी पानी ऊपर ड्रम के ऊपर तैर रहा है और इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 5 लोगों की दी रखी थी, शायद 4-5 लोग बोल रखे थे कि 5 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर ना चढ़ें। उसके बाद गाइज मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे घूमने के लिए, बट ये था कि मतलब हम थोड़ा लेट ही पहुँचे थे। ये जो पार्क खुलता है ये आपका सुबह 7:30 से शाम के 5 बजे तक खुलता है और हम वहाँ वही 3:30 बजे तक पहुँचे थे, तो 1.5 घंटा मैक्सिमम घूम पाए थे वहाँ पे। और जब हमने वहाँ पे ड्राइवर से पूछा, मतलब वो जो गाड़ी चला रहे थे, कि ये मतलब कितने बजे तक और कितना बड़ा है ये, तो उन्होंने बताया ये तो इतना बड़ा है घूम भी नहीं पाओगे, मतलब जितना घूम पाओ उतना बड़ा है। तो मतलब हम बस फर्स्ट गेट से सेकंड गेट तक गए थे, उसके बाद हम वापस आना पड़ा क्योंकि 5 बज गए थे। तो नेक्स्ट अगर अगली बार कभी भी जाएंगे तो पूरा घूम के पूरी वीडियो बनाएंगे। ओके गाइस, और मतलब यहाँ पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, बतख वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छा व्यूज़ मिलता है। ये देखिए यहाँ पे, और जब हम जा रहे थे सनसेट हो रहा था, बहुत अच्छा था वहाँ पे। इसीलिए ये हेलमेट्स ने तो हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ा क्योंकि बाइक पे थे और लॉक लगाने की चाबी भी नहीं ले गया था मैं, इसलिए हेलमेट्स को साथ में लेके। तो हे गाइस, जैसा कि हम आ चुके हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में और ये मैं अपना दोस्त लेके आ रखूँ, इसका नाम क्या है, नाम बता दियो अपना। मेरा नाम विनीत है। उसके बाद ये मतलब रास्ते का व्यू था, मतलब ये अलग रास्ता था अंदर अंदर से, एक ऊपर रोड अलग थी, ये नीचे वाला रास्ता है ऊपर अलग है। तो यहाँ पे हर 10 कदमों पे बेंच लगा रखे हैं, मतलब कोई भी आराम से बैठ के नज़ारा ले सकता है। वहाँ पे नदी है, सूरज ढल रहा है, बतख वगैरह, मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। 30 रुपये फुल्ली वसूल हो जाते हैं वहाँ पे, और बर्ड्स वगैरह बहुत दिखती हैं वहाँ पे। और हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई क्योंकि मतलब फिर उतना टाइम रहा नहीं, हम ज़्यादा आगे घूम नहीं पाए, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तो पूरा घूम के ज़रूर आएंगे गाइस। और व्यू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और इतनी अच्छी शांति वहाँ पे, मतलब पैसा फुल्ली वसूल था वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं कि पैसा बर्बाद हो गया कुछ। और जब हम ये देखिए, ये गाइज हमारे आती हुई की वीडियो है, जब हम मतलब थक गए थे, हमने सोचा चलो अब वापस चला जाए, तो वापस चलने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना दूर आ चुके थे हम। तब जाके गाड़ी करी तो इन्होंने हमसे 30 रुपये पर पर्सन लिया जब हम गाड़ी करके वापस आए। तो मैंने वहाँ स्टार्टिंग में पूछा था क्या गाड़ी हम चलाएंगे, अगर गाड़ी हमें चलाने के लिए, क्योंकि गाइज यहाँ पे कुछ होता नहीं है, मतलब ये ओखला बर्ड सेंचुरी की ही रोड है अंदर, तो यहाँ पे और कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलती, नॉर्मल यही गाड़ियाँ चलती हैं, वो भी इन्हीं पार्क वालों की हैं आई थिंक। उसके बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह थी, आप भी जाके घूम सकते हैं क्योंकि 30 रुपये टिकट है पर पर्सन लगता है। और वहाँ पे फ़ोन पे पेटीएम वगैरह तो यूज़ ही नहीं करते, कह रहे कैश लाओ, तो मेरे पास था नहीं तो मेरे दोस्त ने दिया। और उसके बाद ये देखिए, तो फिर सनसेट वगैरह था, वापस आने पड़ा हमें, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। बट ये है कि हमारे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, मैं मतलब एक मज़े की बात यह है कि मैं रोज़ वहीं से ऑफिस जाता हूँ, मतलब नोएडा में ही। मैंने कभी ओखला बर्ड सेंचुरी को मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे भी कुछ ये घूमने वाली जगह है। तब मेरे मतलब लोगों ने बताया कि हाँ मतलब ओखला बर्ड सेंचुरी एक जगह है, तब जाके पता करा। और हम मैप से इसलिए भटक गए थे क्योंकि वहाँ पे मतलब हमें जो मैप पे जगह दिखाता वो ओखला बर्ड सेंचुरी का सेकंड गेट दिखा रहा था DND की तरफ से, ये जो कालिंदी कुंज की तरफ से है ये वाला गेट नहीं दिखा रहा था। जबकि हम कालिंदी कुंज के साइड से गए, बस 10 कदम की दूरी पे ही ओखला बर्ड सेंचुरी कालिंदी कुंज के चौक से, और हमें वो पूरा घुमा दिया उसने वहाँ पे, तभी हम रास्ता भूल गए थे। उसके बाद हम सही रास्ते पे आए पूछते तब जाके। और मेरे घर से यहाँ का रास्ता मैक्सिमम, अगर हम बाइक से निकले थे, बाइक से ही गए थे, तो अगर भटकते नहीं तो मैक्सिमम 15 मिनट का रास्ता है।
क्योंकि हेलमेट्स ने तो हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि कहीं रख भी नहीं सकते थे, गंदे हो जाते। और बाइक थी, स्कूटी तो थी नहीं, डिग्गी में चले जाते। और व्यू देखिए कितना बढ़िया आया था वहाँ पे, मतलब मन था ही नहीं आने का। ये देखिए, ये सब, ये जितने भी है ना, ये सब पानी के ऊपर तैरा रखे थे उन्होंने ड्रम लगा के नीचे। और इसमें कैपेसिटी दे रखी थी 4 या 5 बंदों की दे रखी थी, इससे ज़्यादा ना चढ़ें। मतलब आगे भी और भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, मतलब हम आगे जा नहीं पाए इस बार, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे और उसकी भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि कुछ पुल वगैरह हैं और भी, मतलब बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं आगे, मतलब इसी पार्क में, ओखला बर्ड सेंचुरी में ही आगे। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अब हम एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें इसी बहाने गाइज बहुत जगह घूम भी लेंगे और ब्लॉग्स, और आपको भी घुमा देंगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो सारे सबके ब्लॉग्स बनाएंगे जहाँ जहाँ भी जाने वाले हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन वीडियो का आपसे मिस ना हो जाए। ओके गाइज, तो बताते हैं फिर हम लास्ट में, मतलब घर के लिए निकल लिए। तो लास्ट है जब हम तैयार हो रहे थे घर के लिए, मतलब गाड़ी बाहर ही खड़ी थी हमारी, ये सुपरनोवा के जस्ट सामने ही पड़ता है ओखला बस।